नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मा के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि है तो छोटा, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका का काम करता है। क्योंकि अगर उसके रिटर्न आप देखेंगे, चाहे आप शॉर्ट टर्म में देखिए चाहे आप लॉन्ग टर्म में देखिए, कमाल की रिटर्निंग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कौन सा स्टॉक है, और साथ के साथ हम कुछ और स्टॉक के टेक्निकल एनालाइज भी देखेंगे कि क्या उनका टारगेट हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है, अगर वो गिर रहे हैं तो किस सपोर्ट से लेकर बाउंस बैक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, हम पहले अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक फार्मा का स्टॉक है, तो आप देखेंगे 749 में ये शेयर मिल रहा है, और इस टाइम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, यानी 1.63% का करेक्शन देखने को मिला इस शेयर में। अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 147.35 करा है 52 वीक लो। अगर वहीं बात करते हैं 52 वीक हाई का, तो आप देखेंगे 898 रुपये का 52 वीक हाई है, यानी अगर इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो 750% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात है, अगर वो भी फार्मा का, जिस हिसाब से फार्मा सेक्टर भाग रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए इनका रिटर्न का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक हफ्ते में ये शेयर करेक्ट हो रहा है 2% तक का। अगर एक महीने की बात करें तो इसमें आपको 13% तक का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो 330% तक का रिटर्न देखने को मिल चुका है इस शेयर में। एक साल की बात करें तो 344% का रिटर्न दे चुका है। तीन सालों की बात करते हैं तो आप देखेंगे 928% का रिटर्न, यानी कि कमाल की रिटर्निंग रही है। पाँच साल की बात करें तो 934% का रिटर्न, वहीं 10 सालों की बात करें तो 1783% का रिटर्न। यानी दोस्तों, ये शेयर इतना ज़्यादा सेफ है कि आप पिछले 10 साल का भी डेटा उठा के देखेंगे तो रिटर्निंग आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। यानी कि हर साल ये 100% तक का रिटर्न देता है हर साल, चाहे आप शॉर्ट टर्म में देखिए चाहे आप लॉन्ग टर्म में देखिए। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं, क्या इसका फंडामेंटल कैसा है, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि कहीं एक पैनी शेयर की तरफ भाग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले इनका रिजल्ट देख लेते हैं। ये मैंने क्वार्टरली रिजल्ट लगा रखा है, जून 2020 का से लेकर सितंबर 2020 का हम कंपेयर करके देख लेते हैं। नेट सेल्स की बात करें तो आप देखेंगे 16% की ग्रोथ देखने को मिला नेट सेल में, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे लगभग 12.5% तक का ग्रोथ देखने को मिला, ये भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ही मामूली सा, यानी पॉजिटिव में तो नेट प्रॉफिट है, अगर कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव में है, लेकिन इस क्वार्टर के बीच में मामूली सा करेक्शन आपको देखने को मिला, यानी मामूली सी गिरावट देखने को मिली 0.45% का माइनस में, बहुत ही मामूली सा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिला माइनस में 0.95% तक का। तो चलिए इनका एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं, एनुअल रिजल्ट क्या कहता है। तो हम मार्च 20 से कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर हम देखें नेट सेल्स की तो आप देखेंगे 12% तक की ग्रोथ देखने को मिला 12.5% का। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 40% का ग्रोथ है, यानी कमाल कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 यानी 52% तक का ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में ईयरली बेस पे, काफ़ी अच्छी बात है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 5.98% तक की ग्रोथ, यानी कि रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फंडामेंटल भी देख लेते हैं क्या कहता है फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल चेक करना किसी भी शेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं, मार्केट कैप की बात करें तो 440 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। पी की बात करें तो 9.94 के पी पे मिल रहा है, यानी पी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं हुआ है ये शेयर। पी वी की बात करें तो 4.02 पर का मिल रहा है। अगर कैश की बात करें तो कंपनी के पास 154.65% तक का कैश भी पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है किसी भी शेयर के लिए। अगर डेब्ट की बात करें तो डेब्ट फ्री समझ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे इनके पास कितना ज़्यादा कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी इतना कैश पड़ा हुआ है उसमें से डेब्ट तो एकदम ना के बराबर है। 55 करोड़ का मामूली सा डेब्ट है, 56 भी मान सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तो इनके पास कैश है, तो डेप्थ तो समझ लीजिए ना ही है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 12% का सेल्स ग्रोथ रहा है 12.5% का, काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 19% का प्रॉफिट ग्रोथ, दोस्तों कमाल की कंपनी है। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर जगह आपको देनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा इनका फंडामेंटल है, रिजल्ट है। तो और डिटेल देख लेते हैं, रिटर्न का आप देख ही चुके हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं कितना है, 43.69 का प्रमोटर होल्डिंग होल्ड करके बैठे हैं, जिसमें से अगर प्लेस शेयर की बात करें तो वो नन है, यानी 0% है।
FIIs की बात करें तो वो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में लेके बैठे हैं, 6.40%। कहेंगे थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, वो उन्होंने अपना जो स्टेक है वो कम किया हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड जो कि इसमें 0.02% का स्टेक होल्ड करती है, इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग नहीं है, अदर DIs इंक्लूडिंग नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशन 49.89% का स्टेक लेके बैठे पड़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल देखें तो NSE की वेबसाइट पे, उससे पहले शेयर का हम नाम देख लेते हैं, IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यानी ये केमिकल और फार्मा दोनों में काम करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 898 रुपये, जो कि इसने 25 अगस्त को बनाया था, उसके बाद शेयर थोड़ा करेक्ट हुआ, और करेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, आपको और नीचे मिल जा रहा है, नहीं तो ये शेयर और ज़्यादा कॉस्टली में आपको मिलने वाला था। 25 मार्च को इसने अपना लोएस्ट बनाया था, तो आप देख सकते हैं। अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 53.52% का डिलीवरी उठाया गया है, यानी 50% से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी बेस पे उठाया गया है डिलीवरी, काफ़ी अच्छी बात है। तो चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं, तो चार्ट पे डिटेल देखें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं शो कर रहा है, यानी कि अगर चार्ट पे डिटेल देखते हैं तो चार्ट काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत बीच में करेक्शन तो आते रहते हैं, कोई भी शेयर आपको सीधा ऊपर भागता हुआ नहीं दिखता, उसमें अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट करता है फिर ऊपर भागता है, सेम टू सेम इस शेयर में भी आ रहा है। अगर आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें सेलिंग नहीं किया हुआ है, तो क्या इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, ये शेयर अपने 20 दिनों के EMA के पास में रुका हुआ है, यानी 20 दिनों का इनका EMA है 721 रुपये का, और इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 748 रुपये 80 पैसे पे, यानी उसके पास ही में आके रुका हुआ है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो 760 रुपये का पहला इनका टारगेट होगा, जैसे वो टारगेट टूटेगा तो उसके बाद 780 का दूसरा टारगेट, और बहुत ही जल्दी ये शेयर 800 रुपये की तरफ भी भागेगा। लेकिन अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो क्या इनका सपोर्ट क्या हो सकता है, तो दोस्तों 50 दिनों का EMA 732 रुपये 43 पैसे, जो कि इनका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, आप उसे स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं इस शेयर में प्ले करने के लिए। अगर वहाँ तक जाता है तो फिर ये अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ता है तो ये शेयर और नीचे जाएगा, फिर 720 के आसपास आपको मिल जाएगा, तब अभी आप बाइंग कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए यहाँ से बाउंस बैक करता है या फिर करेक्ट होता है, करेक्ट होता है तो आपको और नीचे मिल जाएगा, अगर बाउंस बैक करता है तो अगर अभी आप ख़रीदते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर जिनका पर्पज़ लॉन्ग टर्म है उसे तो ये शेयर अभी भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर SIP के थ्रू, लेकिन SIP के थ्रू अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एवरेज मिल जाएगा, तो इस शेयर में इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी सेफ है, पैनी शेयर से जो ज़्यादा सेफ है ये शेयर, तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है Alcargo, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से बाउंस बैक दिखाया है, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 5% तक की ग्रोथ दिखाया ये शेयर, काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं इनका टेक्निकल व्यू क्या करता है। 140.60 रुपये पे इस टाइम ये शेयर मिल रहा है, तो इनका अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 153 रुपये का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और जैसे ही 153 रुपये का टारगेट टूटता है तो फिर 165 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 5 दिनों का EMA जो रहेगा इनके लिए स्टॉप लॉस साबित हो सकता है, उस पर आप अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं, 137.14 रुपये है। अगर वहाँ पे ये शेयर नहीं टिकता तो फिर उसके बाद 132 रुपये पे जाके रुकेगा, तो आप इस शेयर में कंसिडर कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है FL इंडिया। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, उसके बाद इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, तो इस टाइम ये शेयर 3779.15 पे मिल रहा है। तो इनका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, उससे पहले इनका सपोर्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शेयर इस टाइम अपने सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या सपोर्ट है। 9 दिनों के EMA जो है 3795 का EMA है, और ये शेयर उसके थोड़ा सा नीचे आ चुका है, यानी कि वहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो ये फिर से 3800 की तरफ भागेगा। लेकिन अगर और करेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि 3595 का लेवल इस शेयर के लिए काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे तो ये शेयर जाएगा नहीं, लेकिन 3730 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं। शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे इसमें काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यानी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है, इसलिए इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इससे अगर ये शेयर करेक्ट होता है तो आपको और नीचे मिल जाएगा, अगर इसमें बाउंस बैक होता है तो फिर से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म में रखना मेरे ख्याल से बेटर होगा, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छा है।
तो नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, अगर इस शेयर की बात करें तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। आपको पता होगा ये अपने सेक्टर में मास्टर लीडर है, यानी एकदम पूरा ये वो स्टॉक है जिसको आप जितना ज़्यादा लॉन्ग से लॉन्ग रखना चाहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही मिलेगा। MSCI देखेंगे तो अभी भी पुलिस है। अगर यानी शॉर्ट टर्म में इस शेयर में अगर आपको प्ले करना हो तो क्या टारगेट हो सकता है? तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 5500 का टारगेट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर और ज़्यादा आपको शॉर्ट चाहिए तो 5300 का पहला टारगेट है। तो उस टारगेट के लिए इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? तो 4988 जो कि इनका है 21 दिनों का EMA, यानी कि 21 दिनों का EMA बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसके नीचे ये शेयर तो अभी जाना मुश्किल है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5190 का। उसके बाद इस शेयर में 5350 के लिए प्ले किया जा सकता है। तो दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छा है, मार्केट लीडर भी है, तो इसको आप जितना ज़्यादा मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इस शेयर को लेकर। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई शेयर मैं एनालाइज करके बताऊं क्या उसका फंडामेंटल है, क्या उसका टेक्निकल व्यू है, तो उसे आप कमेंट में उस शेयर का नाम मुझे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।